हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, दो मूवी चल रही है अभी मार्केट पर, मैदान एंड बड़े मियां छोटे मियां, जिनसे बहुत उम्मीद जताई जा रही थी कि भाई साहब ये मूवी जब आएंगी तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूटेंगे। लेकिन क्लैश की वजह से डर भी ये लग रहा था कि भाई ये आएंगे तो घाटा इन्हीं को होने वाला है, और वो थोड़ा थोड़ा देखते भी नजर आ रहा है। ये भगवान क्या जुल्म है। तो अभी सारी रिपोर्ट देखेंगे, स्कैन करेंगे, नंबर्स गेम देखेंगे, कितना नंबर्स ये अभी तक अपने खाते में ला चुके हैं, रियल इशू देखेंगे कि अगर ये हिट हो रही है तो क्यों और नहीं भी हो रही है तो क्यों, मतलब फ्लॉप कैटेगरी में अगर जाने के इनके कगार दिख रहे हैं तो क्या वजह हो सकती है। देन उसके बाद ब्लॉकबस्टर हिट लिस्ट की लिस्ट में इसे काउंट कर भी सकते हैं या सुपर हिट की लिस्ट में काउंट कर सकते हैं, या ये मूवी बजट भी रिकवर कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, सारी चीजों पर बात करेंगे। उससे पहले वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भाई शुरुआत करेंगे बड़ी मियाँ छोटे मियाँ से, जो बहुत बहुत डींगे हाँक रहे थे। अच्छा बात नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि भाई जब मूवी रिलीज हुई थी तो इसको कोई भी पॉजिटिव रिव्यू इतने नहीं मिले थे, बहुत क्रिटिक्स रिव्यू मिले थे, क्रिटिकल रिव्यू मिले थे, दैट्स वाई कि मूवी की ग्रोथ भाई पिटते नजर आई। क्योंकि फर्स्ट डे अगर ओपनिंग देखे तो 15 करोड़ के आसपास करी थी, जो वर्थ इट था, देख के लग रहा था ठीक है इजिली बजट रिकवर हो जाएगा। लेकिन भाई साहब दूसरे दिन से कहानी गिरते नजर आई। उसके बाद कल सैटरडे था और आज संडे है, भाई मूवी की औकात तभी पता लग जाती है जब हॉलीडेज में ग्रो कर जाए। खैर बजट की बात करें तो मूवी का भारी भरकम बजट है भाई साहब, 350 करोड़ के भारी भरकम बजट में इसको बनाया गया है, जबकि इतने बड़े बजट में तो जवान को भी नहीं बनाया गया था एंड सलार को भी नहीं बनाया गया था, बावजूद इसके भाई उन मूवी ने फाड़ के कमाई करके गए थे वो लोग। देन बात करें कल सैटरडे पर यह मूवी कैसे कमाई करेगी, 8.5 करोड़ की मात्र, एंड टोटल नेट इंडियन कलेक्शन कल कितना होता, मतलब पहले तीन दिन का 31 करोड़ 75 लाख, ग्रॉस इंडियन कलेक्शन कल पहले तीन दिन का होता है एंड ऑफ द डे तक 38 करोड़, एंड वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 50 करोड़। तो भाई कल सैटरडे था, सैटरडे का अच्छा बूस्टर मिलना था, जबकि फर्स्ट डे ही अच्छी बूस्टर देखने को मिला है। देन आज संडे है, संडे को भी अच्छा बूस्टर देखने को मिलना चाहिए था, क्योंकि भाई पहले चार दिन में अगर ये मूवी 60 से 65 करोड़ की ही कमाई करती है तो कल फिर वर्किंग डे स्टार्ट हो जाएंगे मंडे से, तो वर्किंग डेज में तो कहानी और भी नीचे चली जाएगी। बात तो सही है। खैर भाई मूवी को इतना ज़्यादा रिस्पांस क्यों नहीं मिल रहा है, सिंपल सा एक कारण है, एक नहीं दो तीन कारण है। एक तो ये कि भाई साहब अभी फॉर्म नहीं चल रही, अक्षय कुमार की भी नहीं, देन उसके बाद टाइगर श्रॉफ जो मेन लीड पर दोनों बंदे देखने को मिल रहे हैं, इनकी कोई फॉर्म फिलहाल लंबे समय से तो नहीं चल रही है। दूसरा मूवी का बजट हाई फाई था, एक्शन में इसे प्रॉमिस करा जा रहा था कि ये एक्शन देंगे वो एक्शन देंगे, लेकिन फुद्दू। अच्छा बात नहीं, मतलब टीजर एंड ट्रेलर में ही बहुत कुछ रिवील आउट कर दिया था। दूसरा भाई सबसे मेन पार्ट, मेन रूट कॉज ये है कि भाई मूवी में कोई स्टोरी भी नहीं है, अगर दमदार स्टोरी होती तो लोग टच करते, और सबको इतने पागल नहीं है कि इसको नेगेटिव रिव्यू दे रहे हैं, भाई सभी को नहीं हिट करके गई, दैट्स वाई कि भाई ये कारण हो सकता है कि मूवी अच्छी खासी कमाई नहीं कर रही। तो खैर ये बजट रिकवर कर भी लेगी या नहीं कर लेगी, खैर इतने जल्दी बोलना बड़ी जल्दबाजी हो जाएगी, हु नोज कि बजट रिकवर हो भी जाए या नहीं भी हो जाए, फिलहाल मुश्किल ही लग रहा है कि ये मूवी बजट रिकवर कर जाएगी। खैर आपने ये मूवी देख ली तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और ये मूवी कितना कलेक्शन और कर सकती है, आप अपने एक्सपीरियंस से जरूर बता के जाना। बात करें दूसरी मूवी मैदान की, तो भाई मैदान जिस हिसाब का इसका बजट है, 100 करोड़ के बजट में इसे कंप्लीट करा गया है, तो ये मूवी एवरेजली ग्रो कर रही है। इससे भी हाइप थी, उम्मीद थी कि भाई ये आएगी तो कम से कम 200 या 250 करोड़ तो ईजिली ठोंक के जा सकती है, लेकिन जिस हिसाब से इसके लक्षण देखने को मिल रहे हैं 150 करोड़ भी कवर अप कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अपने अजय देवगन भाई के लिए, यानी मैदान मूवी के लिए। खैर इसका रूट कॉज ये हो सकता है कि एवरेजली ग्रो करने का, भाई अजय देवगन की मूवीज भी लगातार लगातार आ रही हैं, वही चीज़ कि भाई हर दिन आलू किसको पसंद आएगा। हाँ वो बात अलग है कि मूवी को पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं और कंटेंट ओरिएंटेड मूवी है, मतलब स्टोरी दमदार है, चिपका के रखेगी, और एक ऐसी हिस्ट्री को दिखाया गया है, मतलब फुटबॉल को अच्छा खासा बूस्टर दिया गया है। खैर ऐसी मूवी आनी भी चाहिए, लेकिन जनता का टेस्ट आई डोंट नो कैसे चेंज हो चुका है। खैर बात ये भी है कि भाई साहब क्लैश होने की वजह से इसको वो भाव नहीं मिल पा रहा है, अगर ये दोनों मूवी सिंगल रिलीज होती तो ईजिली अच्छा खासा कलेक्शन करके जाती, बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी एंड मैदान मूवी भी, लेकिन क्लैश की वजह से भी एक कारण ये है कि भाई वो कमाई देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि नंबर्स ऑडियंस बढ़ जा रही है, कुछ ऑडियंस एक्शन देखने को जा रही है और कुछ ऑडियंस मैदान मूवी को भी देखने जा रही है, और सभी के पास इतना पैसा नहीं है कि भाई हर दिन हर कोई थिएटर में जाए, महीने में एक बार किसी का मन चल बन गया तो जरूर जाते हैं। बात तो सही है।
बाकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें मैदान की, तो भाई कल डे 3 पर यानी एंड ऑफ द डे तक यानी सैटरडे पर 5.5 करोड़ की ही कमाई करते ये मूवी नजर आ रही है, जो बहुत बुरे नंबर है। वैसे अब सैटरडे संडेज में या फिर हॉलीडेज में मैं कहूँ अगर डबल डिजिट में नंबर नहीं आए, खासकर ऐसी मूवीज में जिसमें अजय देवगन नाम जुड़ा है, अक्षय कुमार नाम जुड़ा है, बड़े बड़े चेहरे है ना, तो फिर ये मूवी को भाई हम एवरेज में ही काउंट कर सकते हैं फिलहाल के लिए, पहले 4 दिन 3 दिन के हिसाब से अगर बोलूँ तो। टोटल नेट इंडियन कलेक्शन पहले 3 दिन में कल एंड ऑफ द डे तक हो चुका है 15 करोड़ 60 लाख, देन ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 19 करोड़ एंड वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कल एंड ऑफ द डे तक 21 करोड़ के आसपास ये मूवी कवर अप कर चुकी है, जो 100 करोड़ के बजट तक आते आते, क्योंकि कल से वर्किंग डे स्टार्ट हो जाएंगे और वर्किंग डे में अगर आज मतलब अगर सैटरडे संडे में ही 6 करोड़ 7 करोड़ देखने को मिल रहा है, तो वर्किंग डेज में 1.5-2 करोड़ की ही कमाई इसके खाते में आएंगी, दोनों मूवीज की बात कर रहा हूँ। तो भाई सब बजट रिकवर कर पाना खैर इन दोनों मूवी के लिए इस बार थोड़ा सा हैवी टास्क हो जाएगा। फिलहाल आपने मैदान मूवी देख ली तो जरूर बता के जाना अपना एक्सपीरियंस की कैसा रहा है, देन उसके बाद ये मूवी क्या हिट लिस्ट में काउंट करी जा सकती है या फ्लॉप लिस्ट में। बाकी यहाँ तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।